I can feel the tension, feel the stress. सीन ऐसे है कि हमारे पास 6 फाइनलिस्ट हैं, क्योंकि ये हसल 0-3 है, सब कुछ 3 गुना है, स्टेक्स भी 3 गुना है. तो जो 6 कंटेस्टेंट हैं उसमें से अब हमें टॉप 3 चाहिए. उसके बाद ऑफ कोर्स ऑडियंस का वोट है, लेकिन आप लोग हमेशा की तरह मुझे हेल्प करेंगे चूज करने के लिए बेस्ड ऑन उनकी जर्नी, उनका ओवरऑल पोटेंशियल. एब्सोल्युटली मैन. एंड देन ऑफ कोर्स द ओवरऑल क्राफ्ट. या तो आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ हसल एवर द फर्स्ट फैंसी टू एवर गेट द टिकट टू फिनाले इज मोनाल. डिफरेंट जॉनर्स परफॉर्म किए हैं, क्लासिकल टू ब्लूज, पंडिश, मॉमी इश्यूज एंड लिरिसिज्म बियॉन्ड पॉइंट. आई थिंक शी डिजर्व्स अ स्पॉट. ओके, फेयर पॉइंट. मोनाल मेरी फेवरेट है, लेकिन देख बेसिक आया था शुरू में और हर किसी का ग्रोथ होता है. बेसिक की ग्रोथ बहुत फिनोमिनल, बहुत अच्छी है, वर्सटाइल बहुत है, वर्सटैलिटी है ऑफ कोर्स, और पेन गेम हैज. या और लास्ट सॉन्ग जो उसने गाया था, इट्स अ कंप्लीट हिप हॉप कमर्शियल रैप सॉन्ग. प्रॉपर क्या बीट, क्या क्या. ओके, भाई केडन एंटरटेन करा उसने, बैंगर्स दिए उसने. हां, जो उसका टैलेंट था मुझे लगता सबसे यूनिक था, और जो एनर्जी है उसकी, जो करिश्मा उसके अंदर, वो काबिले तारीफ है. ऑडियंस के प्यार की बात है तो आई थिंक 100 RBH has really made a name for himself in this season, especially conscious poetry को इस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, इतने मेमोरेबल हुक्स उसने दिए हैं, काबिले तारीफ है. उदय ने तो भाई क्या नहीं दिया है. एक्चुअली ही इज गॉट द मोस्ट रेडियो हिट्स फ्रॉम यू एज़ वेल. Yeah. Even Vijay Dada actually. Uday. जब उसने गाना गाया, जब उसने emotional किया, lo-fi किया, he killed it. Of course, the battle between Uday and Ghosh is going to go down in the history, and he nailed it. मतलब he went for the throat. That's a mark of a true professional. You guys have helped me make my mind. Thank you so much, guys. Let's go. Let's go. Music ultimate destination MTV aur hip hop ka sabse bada platform. So this season we added the Desi and hip hop aur ye bana India ka biggest stage for Desi hip hop. And this time we leveled up, not just the music but also the collabs, the battles and the work. Isi stage pe hua represent India ka culture, stories, issues, notions and emotions. Aur sabse badi baat, yahan conscious hip hop took the center stage. This is the hip hop revolution. Desi hip hop revolution, and tonight a celebration. Because aaj hai MTV Hustle 03 represent ka grand finale. One deserving hustler is going to carry the legacy of the stage forward and take home the prestigious trophy. Yuddha Bhoomi 03 ki shuruaat kalam kranti alankari itihas kalakari kalakari andaaz shabdon. Ye trophy jayegi usko who isn't just a wordsmith but also a torchbearer, जो इंस्पायर करे हिप हॉप के कल को और सबको बताए कि हासिल करोगे तो हासिल करो. और अब वक्त है टू गेट द होल फैमिली टुगेदर फॉर वन लास्ट टाइम. गिव इट अप फॉर द ओरिजिनल क्लास ऑफ 2023 ऑफ MTV हसल 03 रिप्रेजेंट. छला मुड़के नी आना, छला मुड़के नी आना, तेरे वल फेरा नी पौना, पैना किसे होर दा होना, वे तेनू मुड़के नी तकना, वे तेरा फोन नी चकना. ये फोटो फ्रेम कराने वाली है. मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देख के, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों ने जो अचीव किया इस स्टेज पर, मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोग अचीव करने जा रहे हैं वो सोच कर. कहते हैं ना जैसे मकान ईंटों से नहीं बनता, लोगों से बनता है, ऐसे ये शो आप लोगों से बना है. यू गाइज हैव मेड हिस्ट्री एंड हिप हॉप विल बी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. People, one more time, make some noise for our hustlers right there. All right, next. Yeah. Hey. मैं बुलाना चाहूँगा one of the biggest
हिट मेकर्स इन द इंडस्ट्री, वो हाई रेटेड गबरू हु हैज स्लोली स्लोली फॉलन इन लव विद हसल शून्य तीन. मेक सम नॉइज फॉर गुरु रंधावा. Everybody put your hands up. Guru, so good to have you here. But I'm very happy to be part of the show. जो मैं Instagram पे देखता था, आज मैं सबको live देख रहा हूँ. I think आपको तो बहुत बढ़िया platform already मिला हुआ है. हमारे पास तो platform था ही नहीं. हम तो मैं इक्का भाई और मैं रात रात गाने लिखते रहते थे. I think बहुत शायद कम लोगों को पता होगा कि गुरु का नाम गुरु बोहेमिया पाजी ने दिया था. Oh yes, yes. He named me गुरु. और नाम भी हिप हॉप से आया. देख लो, biggest hip hop artist उन्होंने नाम दिया, उससे बड़ा क्या हो सकता है. Well, shout out to बोहेमिया पाजी. क्योंकि आज हम वे ब्रिंगिंग द फैमिली बैक टुगेदर, इट्स टाइम टू इनवाइट अनदर फैमिली मेंबर. जो हसल का कंटेस्टेंट रह चुका है, फाइनलिस्ट रह चुका है और स्क्वाड बॉस भी रह चुका है, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशली लेडीज, मान मेरी जान, किंग इज इन द बिल्डिंग. आ ही गया है. आना ही था. होम हो रहा था ना तेरे से. हाँ, आई फील लाइक होम. मैं जुड़ा रहा हूँ हमेशा से स्टेज से. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने साथ वालों से मिलकर. वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर. नाउ इट्स टाइम टू विटनेस द बिगेस्ट अप एंड कमर्स ऑफ देसी हिप हॉप. मेक सम नॉइज फॉर द टॉप सिक्स ऑफ एमटीवी हसल शून्य तीन रिप्रेजेंट. शहर का मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी, उल चुड़ी की फैन लेके आया एमटीवी. भारत की हिस्ट्री में है चुड़ी सिटी, डेफिनेट की डेफिनेशन ऑथेंटिसिटी का. हैदराबाद शहर का मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी, उल चुड़ी की फैन लेके आया एमटीवी. भारत की हिस्ट्री में है चुड़ी सिटी, डेफिनेट की डेफिनेशन ऑथेंटिसिटी का. Moment this is. Runal, Uday, Basic, 100 RBH, Kaden, Vijay Dada. Ooh. भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. और सब जो उन्होंने बहुत अमेजिंग करा है. बट कई बार होता है ना, एक चीज आपके दिमाग में रह जाती है, वो जो वो भाई ने गाना गाया ना, वो मामा काफी अच्छा था यार. मुझे बहुत कैची है वो. और शुक्रिया. अगर मैं रील्स बनाता होता ज्यादा तो मैं पक्का इस गाने पे बनाता. King, who are you rooting for? Basic and Uday. I like my my boys. जिस तरह से वो अपनी deliveries करता है, जिस तरह से वो technicalities लाता है, जिस तरीके से वो चीज़ें hip hop artists कहीं ना कहीं educate ही करते हैं लोगों को. True. तो Uday वहाँ पर उस gap को बहुत अच्छे से fill करता है मेरे लिए. Uday, so जैसे हमने शुरू किया, फिर रफ्तार lyrical लाया, उसके बाद people like Krishna brought in lyrical, सीधे मौत. Uday is an evolution of that. Yes, yes, that's how I see it. And we're so proud I discovered you here. And Basic, मैं connect करता हूँ बस इस लड़के से. मुझे इसकी आवाज़, इसका texture बहुत पसंद है. Basic, तुम्हारी जर्नी बहुत ही खतरनाक रही है. जो तुम्हें सेपरेट करती है वो तुम्हारी प्रोडक्शन स्किल्स है. अगर कोई इंसान का प्रोड्यूसर माइंड होता है ना, उसके लिए एक गाना, अच्छा गाना बनाना बहुत ईजी. इट्स अ प्लस वन, इट्स अ बिग प्लस वन. यस. मुझे स्पेशली मृणाल की जर्नी बहुत अच्छी लगती है. शी इज मेड अ लॉट ऑफ पीपल प्राउड. और सौरभ, मैं भगवान से सिर्फ ये प्रे करता हूँ कि तुम्हारा जो गर्व है अपने आप पर, वो ऐसे ही बरकरार रहे. स्किल की कोई कमी नहीं है. जैसे ही आप स्टेज से बाहर निकलोगे, ये सबसे पहले ये दुनिया गर्व तोड़ती है, क्योंकि उनको घमंड लगता है. लेकिन ये गर्व तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम ऐसे आर्टिस्ट बनोगे जो लेगेसी क्रिएट करेगा. और हम प्राउड होंगे कि भाई हमारे सामने परफॉर्म किया था 100 RBH ने. केडन हैदराबाद से हवा का झोंका है. तुम्हारा एक्स फैक्टर है मज़ा. अपना गाना सुन के दुनिया की टेंशन हटानी है. बहुत बड़ा कर्म है. और विजय दादा, पूरा 4-3 नहीं,
पूरा 1 से 100 तुम्हें देख रहा है अभी. यू आर अ मिसाल एंड जल्दी आपके स्टूडियो में मिलते हैं 4-3 में. जो अपन लोग मिलते हैं आज जो MTV हसल 03 रिप्रेजेंट का विनर होगा उसे ट्रॉफी के साथ साथ MTV की तरफ से मिलेगा अ प्राइज मनी ऑफ 1 million rupees 10 lakh. एंड दैट इज नॉट ऑल. पोको की तरफ से विनर को मिलेंगे मेड ऑफ मैड गिफ्ट्स वर्थ रुपीज 2.5 lakhs. एंड दैट्स नॉट ऑल. मिलेगा अ ब्रांड न्यू गोवो साउंड बार भी. तो आइए शुरू करते हैं हसल 03 रिप्रेजेंट का फाइनल. भाई जिसके लिए मैं ओपन करने वाला हूँ ना अब वो है क्रांति का ही लड़का. क्रांति मचाई है कलम से, अपनी आवाज से, अपनी सोच से. कॉन्शियस रैप को फेमस करा है पूरे इंडिया में और इस स्टेज का जिसने सही इस्तेमाल करा है अपनी बातों के साथ. मेरा भाई सो रॉ 100 RBHS. इक्का भाई इज लिविंग लेजेंड. मैंने इस इंसान जैसा लिखारी नहीं देखा है. जब इक्का भाई स्टेज पर आए थे ना तो कोट काला था, ये तो वर्ष का खून कर डाला. Make some noise. You know what time it is? Yeah, you know what time it is. और ये टाइम है मेरे भाई सौरभ का 100 RBHS. मैं चाहूंगा आप स्टेज पे आए और छा जाए. RBHS गेम में आया ना मौका मिला तो मैं खुद ही बनाया. दुनिया ने मेरे को यही सिखाया कि मौका मिले घेउंटा. दिल भी बोले घेउंटा, दिमाग भी बोले घेउंटा. डेंजर बनने की आग मेरे में वो आग भी बोले कि घेउंटा. ऊंचा बनने का है ख्वाब मेरे, हालात भी बोले कि घेउंटा. मिला ना कभी वो मिला है अभी तो अल्लाह मौका मानो ना घेउंटा. बंदा मत मार देना भाई, बंदा मत मार देना. वो घेउंटा शीर बैंगर. एक नंबर मेरा भाई सौरभ. 2 मिनट मोमेंट ऑफ साइलेंस क्योंकि स्टेज का मर्डर हो गया. स्टेज दहन भाई आज ब्राजीलियन फंक वालों को पता चला होगा आज के लिए बीट बनाई है. मैंने इस फील्ड में लाइक डिवाइन भाई के बाद अगर किसी को और अपने स्टाइल में किल करते हुए देखा है और टॉप ऑफ इट एक नई चीज प्रेजेंट करते हुए देखा तो दैट्स यू. शुक्रिया शुक्रिया भाई. मैं सही बता, तूने मेरे को ये चीज दिखा दी कि हमारी ना एक रूट है, हम पूरे वेस्ट नहीं है. हमारी एक रूट है, वो यूज करनी बहुत जरूरी है, चाहे वो लिरिकली करो या म्यूजिकली करो. एंड आई थिंक मेरे को दोनों का यहाँ पर एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है जो मुझे लगता है कि हाँ दिस कुड बी अ न्यू एवोल्यूशन टू द म्यूजिक एंड टू द इंडस्ट्री. मेरी रिस्पेक्ट आज इसलिए तेरे को कि तू कॉन्शियस रैप करता है, तू जो चीज ऑन द मैप लेके आए शो पर और उसके बाद तू एक क्लब बैंगर दे रहा है अपने फिनाले में, तो मेरे लिए इससे बड़ी मूव कोई नहीं हो सकता. आई लव यू ब्रो, यू किल्ड इट. थैंक यू भाई, थैंक यू किंग भाई. गुरु भाई अपने नाम की तरह बहुत ही यूनिक है, मैंने पहली बार ऐसे परफॉर्म करते हुए देखा भाई को लाइव और आपने पूरे 21 जंप मारे मैंने गिने थे. I look forward to see you performing on big stages, bro, worldwide. Yo. शुक्रिया शुक्रिया भाई. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि विसर्जन में गया इसका गाना बजा और उसको नाचते नाचते लोगों के तुमने सर खोल दिए तो दे आर डांसिंग बट दे आर स्टिल थिंकिंग कि यार हमको कुछ करना चाहिए. तो वो यू नो रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र, रिप्रेजेंटिंग योर टाउन, रिप्रेजेंटिंग द पीपल दैट यू कमिंग फ्रॉम,
एंड चूजिंग द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू डू, और वो करते करते यहाँ तक आना और लोगों को एंटरटेन करना और आखिरी में ऐसा बैंगर देना, मतलब मेरे को लग रहा था गाना खत्म हुआ वहां से गाना शुरू हुआ कसम से, यू नो. सो गॉड ब्लेस यू, कीप हसलिंग, नेवर सेटल, मोर एंड मोर पावर ब्रो, आई लव यू. थैंक यू, लव यू टू भाई. RBH, अगर हसल का हॉल ऑफ फेम होता है, आई थिंक योर परफॉर्मेंस शुड बी देयर. You know, this is one to be remembered for sure. Mad energy, दिल से respect, for sure. देख, conscious rap करता है, वो तेरी power है. पर तू ना, जो तेरा beat selection है ना, ये तू उससे ना लोगों को नचाएगा अभी. वो तेरी बात भी सुनेंगे, नाचेंगे भी. ये बहुत मुश्किल होता है bro. Hats off, तेरी energy जैसे अग्निदहन तूने यहाँ पे करा हमारे सामने और जला फूंक मारा भाई सब कुछ. जिस तरीके से तू खाता ना कैमरे को, जिस तरीके से तू माइक अपने बंतुल बुखारे को लेके चलता है कि हाँ भाई आज तो ठोक दूंगा मैं, आज गेहूं टाक करवा दिया तूने भाई. हमारा गेहूं टाक हो गया भाई. लास्ट सीजन फिनाले में आप आए और आपने हमारा फिनाले बना दिया. इस स्टाइल आपने पूरा सीजन बना दिया हमारा. यस सर, यस सर, यस सर, लव यू सो मच. And such an OG opening for you, उस चीज़ का लिहाज रखा है तूने bro. सौरभ, तेरे लिए मेरे को इतना respect है. तेरी लैंग्वेज में क्रमांक एक performance है. Love you, dear. So proud of you. Great job. Thank you. देखो, आज हम यहाँ सिर्फ ग्रैंड फिनाले ही नहीं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब क्रिसमस की बात हो ही रही है, तो लेट मी टेल यू कि आज हमारे स्पेशल स्क्वाड बॉसेस के लिए मैं लाया हूँ कुछ स्पेशल गिफ्ट्स. आई एम द सेंटा यू डोंट नीड बट यू श्योर एज हेल डिजर्व. पहला गिफ्ट है EPR के लिए. कैन हैव द गिफ्ट प्लीज? क्या है EPR? कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज? प्लीज खोलें इस गिफ्ट को. वाओ, दिखाएं. दिस इज ये जो यूनिसाइकिल है ना, ये गिरेगी नहीं. और दुनिया में सिर्फ एक आप ही हो जो प्रिडिक्टिबिलिटी और अनप्रिडिक्टिबिलिटी के बीच में यूनिसाइकिल जो जला सकते हैं, वो सिर्फ आप. थैंक यू. बट जोक्स अपार्ट, EPR, सच अ प्लेजर टू हैव यू एज माय स्क्वाड बॉस. मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को. जितने टिप्पणी ये अपनी कॉमेंट्स में लिख देते हैं ना, उतने लिरिक्स कुछ रैपर अपने करियर में नहीं लिख पाए. Kudos and Merry Christmas. सर, आई एम रियली थैंकफुल दैट यू मेड माई ड्रीम कम ट्रू. आपने कमेंट को एकदम रियलिटी में बदल दिया. यूनिसाइकिल, मैं हाथी बोलूंगा नेक्स्ट टाइम. मेरे को हाथी. थैंक यू EPR, ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट गिफ्ट है डीनो जेम्स के लिए. मैं इतना मोटिवेटेड हूँ इसका गिफ्ट देखकर. ऐसा गिफ्ट है जो मुझे लेने का मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं ये करूंगा. ये क्या है? लीनो, ये है स्टॉप वॉच. क्यों भाई? Because your comments don't stop. Dino, do you want to say something? I don't want to say anything क्योंकि तू आपने जो motivate किया. एक मिनट, let me start the story. ये तो. Thank you so much. All right, next gift है टिक्का. जादूगर शंकर के दस्ताने पहन के आप जो स्टेज पर आए.
मुझे प्यारा लगा भाई गिफ्ट, थैंक यू। तीनों सीजन की शीट है आपको इसमें किंग की लिरिक्स में मिलेंगे। लेकिन अगर समझना है तो मेरे को फोन मत करना, वो ईपीआर बना बैठा उसको। ये तो यार अनमोल है ये चीज तो यार, थैंक यू थैंक यू। वन लास्ट टाइम अगर कोई शीट आपने उड़ानी हो आई थिंक उड़ा सकते। So the last gift that we have is for Deepa, please. Oh! Let's go! Wow, okay. Masters in Squad Boss Studies. The degree of MSBS is awarded to PMC. So, Deepa ko milti hai degree. Masters... ऑफ स्क्वाड बॉस स्टडीज इनको इसलिए मिलता है क्योंकि इस बंदी ने ऐसा दिमाग लगाया, याद है आप लोगों को, इतनी शातिर निकली, ऐसा लड़ लड़ के इसने अपने बंदे लिए स्क्वाड बॉस में, आज इसके दो बंदे फाइनल में पहुंच गए। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस एंड मेरी क्रिसमस। A Merry Christmas to all of you and to everyone watching us. Thank you. Bachchai, with your permission, may I have the honor of opening for one of the best MCs representing wordsmithery and lyricism in this scene currently. I'm talking about the one and only you there. Come on. Thank you. Absolutely, sir. You have my full permission. Uday, tumhara uday hone ka waqt aa gaya, bhai. वो पहली बार श्रीनी बना EPR, वो पहली बार सब कुछ समझ में आया, मेरे जीने का मकसद खुद पे भरोसा पाया। That was the first time I fell in love with hip hop forever. Make some noise for our designated agent of chaos, Uday. Let's go. क्या बेखबरी बेखबर को जाने वो भी डर से रहता तू। मैं भागा अपने घर से, मेरा घर तो बन चुकी थी बस अब तू। बस देखो चारों तरफ फियर जगह, बस मैं बोलू क्या ही खूब क्यों। एक आर्ट होता है जो आर्टिस्ट बनाता है, एक आर्ट होता है जो देखने वाला समझता है। आर्ट की यही खासियत है, ये दुनिया सारी ना समझ। और मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया सारी ना समझ, मत समझ इस दुनिया को, ये दुनिया सारी ना समझ। ब्यूटीफुल, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आपने बहुत ही बढ़िया गाया यार, और उसमें जो आपने बोला कि दुनिया की बात करें तो उसमें आपने बोला कि मैं भी उसी दुनिया में आता हूँ। सो वो अपने घर से शुरू करा, तो आई थिंक वहीं पे आप जीत गए। जो बंदे को खुद का पता हो फिर वो दुनिया की बात करे तो बढ़िया बात होती है, बड़ी बात होती है वो। आई थिंक देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट होता है जो ईजी पाथ फॉलो करता है, एंड देयर इज वन आर्टिस्ट हु वेंचर्स आउट इनटू द अननोन। उसको पता नहीं क्या कर रहा है। यू आर दैट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट टू मेक अ वे टू फाइंड अ पाथ फॉर योर सेल्फ and for others who will follow you. So you are that kind of an artist for me. And you made me proud, man. Thank you so much. Thank you. Thanks, Adal. मेरे को ना ऐसा लगता है, मैन इन ब्लैक मूवी देखी थी भाई, उसके अंदर एलियंस होते हैं ना, बंदा खोलता है ऐसे, उसके अंदर छोटा सा वो बैठा होता है, बहुत शैतानी है ये। इसमें लगता है ऐसा फेस खुल जाएगा, उसमें कोई एलियन चला रहा है इसे, क्योंकि हाँ मैं सही बता रहा हूँ भाई, जिस तरीके से जिस ईज के साथ ये कर जाता ना, इतनी बड़ी चीज़ें, कुछ तो है तेरे अंदर। और उदय, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ना, मैंने ऐसा कोई बैटल रैपर नहीं देखा जो ऐसे हुक्स गा सकता हो। मैंने बहुत सारे बैटल रैपर देखे हैं, बहुत सारी बैटल्स देखी हैं। मैं हसल को थैंक यू बोलना चाहता हूँ ना, उसने आपको ऐसे पॉलिश करा, इन सब के बीच में रह के आप ऐसे रमे। मेलेडी है ना, देख सीधी कही बात के ना, एक हद तक ही उम्र होती है, पर मेलेडी ना अमर होती है।
क्या बात, समझ रहा है? क्या बात? वो मरती नहीं है। क्या बात? जब तू राप राप करता तो तू उसमें घुस के तोड़ता है, पर तू मेलेडी भी कर रहा है ना, वो बहुत मैच्योर मेलेडी है ब्रो। वो ऐसा नहीं है कि ओमदे पो कुछ भी कर दिया। नहीं भाई, मतलब सीरियसली उदय, अगर ना हम ये बोलते हैं ना कि हम तुमसे कुछ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ आता नहीं है, हम वो सीख रहे हैं जो शायद हमने देखा नहीं है इस 18 साल के लड़के में जो कर रहा है, उस उम्र में किसी को करते देखा नहीं है। आई लव यू। मींस अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। क्या बात बोली भाई। मैं इक्का के एग्जांपल को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पजेस्ट फिल्म में नहीं थी, तांत्रिक लोगों को बुलाते हैं और बच्चों के अंदर आत्मा घुस जाती है, कहाँ से आया है तू? तो ऐसा लगता है बहुत ही ओल्ड स्कूल राइटर जो हिप हॉप और रैपर बनना चाहता था, उसकी फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई थी। और वो एक शरीर ढूंढ रहा था कि कहाँ से मैं अपना आर्ट एक्सप्रेस करूँ, और उसको वो शरीर मिल गया, क्योंकि तेरा शरीर सपोर्ट नहीं करता है तेरे आर्ट को अभी। अगर आप देखें भाई, सही बात कि उसका उसको पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। ये मेलोडी करना जो तूने किया बैटल रैपिंग के बाद, ये गाना बनाने के लिए 8 टाइटल आते हैं, रिटन बाय 5 लोग, कंपोज बाय 12 लोग, प्रोड्यूस बाय 25 लोग, तो आपको ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज, जिसको मुझे लिखने में मेरे ख्याल से इजीली 6 महीना लगेगा, वो आपको बहुत ही आसानी से और स्मूथली आती है। मेरे गुरु बोला करते थे मुझसे कि जो चीज आपको आसानी से आती है वो आपकी कला है। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। उदय तू एक पूरा आर्टिस्ट है। तू मेरे को ना उस माइस्ट्रो लीग में दिखता है जहां पर तुझे सिर्फ अपने आप को बेटर करना है, तू और क्या कर सकता है। Yes. जो तेरा कंफर्ट नोट है ना, वो नोट बहुत कम म्यूजिशियन पुल ऑफ कर पाते हैं। तू एकदम से वो बंदा है कि जो अगर कोई पार्टी हो रही हो ना, कोई गैराज हो रहा हो, जहां पर लोग फट जाएंगे तेरे वर्ड्स और तेरी डिलीवरी सुन के, बट अगर तू इस टोनैलिटी के साथ जब तू बात करे तो लिटरली लोगों को बैठा देगा। ये गैप जो है ना, ये दो चीज़ें, ये बहुत कम आर्टिस्ट इसके मिड पॉइंट पर आ पाते हैं। तू इसके मिड पॉइंट पर खड़ा है, एंड द कामनेस दैट यू हैव, और जो तू स्टेज पर एज अ परफॉर्मर है भाई, आई डोंट थिंक यू नीड टू प्रूव एनीथिंग टू दिस वर्ल्ड। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टे हम्बल एंड बी द माइस्ट्रो यू वॉन्ट टू बी ब्रो। थैंक्स अ लॉट। I'm very fortunate to have had the squad that I had this year. I just hope that your light never dims. From the darkness that you have got yourself out of through music, I hope you're able to spread that light for other people over there. I'm so proud of you. Hustle, 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 All right, you're watching Poco MTV Hustle Shunya 3, represent co-powered by Govo Soundbars, T-Series, Wildstone, Appy Fizz and Chupa Chups. We have reached the grand finale, guys. Make some noise. Shor machao! Bahut maza aane wala hai this week. We are truly adding the grand in grand finale. So let's keep the party going! Alright, next. Next up is me. So I'm gonna be opening for the one and only Mrunal Shankar. We hustle hard. We hustle hard. MC and B no James get son. We hustle hard. Make some noise for DMC! Thank you so much. Thank you for having me on stage right now. And now it's time to make noise for the first female artist to ever make it to the finale of MTV Hustle. Give it up for Mrunal! We hustle hard. We hustle hard. 10 साल पुरानी है बात, एक माँ ने था बेटी को सौंपा गिटार, हर काम में माहिर थी लड़की, कला में भी उसने लगाए पहचान। लगा लगा था संगीत का कारोबार, बनाना इसी को था, पर माँ ने माथे को पीटा कि मन हुसी लाया वो तोहफा। दिलाना ना मुझको माँ बाप को कुछ भी, और ना ही वो चाहते कुछ मुझसे, बस चाहते कि बेटी की हो जाए शादी, वो घर को संभाले और खुश रहे, बस चाहते कि बेटी की भर जाए गोद, फिर और वो मांगेंगे कुछ नहीं। Love it.
the best choice for the first ticket to finale. At the core, Hustle is of course all about rap and hip hop, but also jo squad bosses hain, jo bhi puri team hai, hamara ye focus bahut rehta hai ki ek complete artist yahan se nikle. You are definitely one of those complete artists. Thank you, sir. फुल पैकेज हो जैसे भाई ने बोला, और रैप के साथ साथ मेलेडी को कैरी करना इन कमर्शियल वर्ल्ड इट्स वेरी वेरी मच नीडेड. जब भी आपके पास कोई तगड़ा गाना बने मेरे को कॉल करना. आप हमें याद करेंगे. मृणाल, मेरे लिए ये आपका वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स था. पूरा विजुअलाइज मैं कर पाई. मैं एक चीज़ आपको दिल से बोलना चाहती हूँ, आपको कहीं और से प्यार नहीं मिला है तो भी हम आपको बहुत प्यार करते हैं. हम सब बहुत प्राउड है कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस इन द एंटायर कंट्री. यू आर अ बैडएस. मृणाल, यू फाइन? कैसा लग रहा है? शी इज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड है? इसने बोला था. क्या बोला था? कि आज भी मैं रोऊंगी. एक मिनट यार, लेट मी गिव यू अ हग, यू डिजर्व इट. हमेशा हर जगह कोई इंटरव्यू होता है, मैं यही बोलता हूँ कि इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस टू बी ऑन असल. ग्रेट प्रैक्टिस. आप कितने ही अपने आप को बाप समझते हो, कुछ भी समझते हो, एक बार 3 महीने यहाँ आओ और रोज़ उस प्रेशर में गाने लिखो और रोज़ उस प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए तैयारियाँ करो. रात रात भर जगो, शीशे के आगे अपने आप को प्रैक्टिस करो कि पता नहीं अगर कोई गलती हो गई तो पैन इंडिया कैसे जाएगी. वो चीज़ ये दिमाग में होते हुए वो रोज़ परफॉर्म करना और अपने आप अंदर से बेस्ट रॉक स्टार निकालना ना, हर किसी के बस की बात नहीं है. तो आज मैं आपका फिनिश परफॉर्मेंस देख रहा था, इसलिए जो मैं खड़ा हुआ तो वो आज बिल्कुल फ्रेश एकदम मैंने आज मृणाल को ऐसे सुना है. मेरा है एक लॉन्डो, खड़े हो जाओ सब, खड़े हो जाओ. Teen Ginti pe give her a salute. 1, 2, 3. I feel so proud. You have made history here on Hustle by being the first female artist to be in the finale. And I see you making a legacy as well. On that note, I would like to quote Talib Kweli's 2 lines. Legacy is when your reputation precedes you. Little kids, they grow up, they want to be you, actually. So that is you. Wow. What I see. Thank you for being what you are. I hope I made you proud here, and I'll keep making you proud out of Hustle also. Yes, sir. I am really proud, and I have no words. It's just you got me teary-eyed. Same here.